हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से, और आज हमारे पास है, जी हां, ये एक काफ़ी शानदार सा दिखने वाला फ़ोन रियलमी C33। सो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। सो बिना देर करें लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार सबसे पहले देखो भैया, फ़ोन की जो अनबॉक्सिंग है तुम लोग वो देख लो, वरना बोलोगे बॉक्स में क्या क्या मिलता है बताया नहीं। सो आप ये देखो फ़ोन, तो यार ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा, इसको यहाँ रख देते हैं। जैसा हमेशा यू नो जो सी सीरीज़ का बॉक्स होता है भाई, ऐसे स्लाइड आउट होके जो आपको मिलता है, वो अपन ने इसको ऐसे स्लाइड आउट किया, इसको यहाँ पर सजाया। तो आप यहाँ पर देखो फ़ोन नहीं, यहाँ फ़ोन रखा हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर एक लिड आपको मिलती है, जिसके अंदर भैया एज़ यूजुअल तुमको देखो सबसे पहले सिम टूल मिलेगा, और यहाँ पर आप देखोगे सो सेफ्टी गाइड और जो अपनी क्विक गाइड होती है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस पॉलिथीन के अंदर ये वाला फ़ोन रखा हुआ था, ठीक है, और इस पार्टीशन को आप हटाओगे सो ये देखो भैया, ये रहा इसका जो चार्जर है वो, जो कि 10 वॉट्स का है, और ये उसकी केबल है जो कि एक माइक्रो यूएसबी केबल है, यूएसबी टाइप सी नहीं है, ये वाली बात मैं आपको बता दूं। और ये रहा इसका 10 वॉट्स का चार्जर, ठीक है। तो भैया बॉक्स में तुमको क्या क्या मिलता है ये मैंने बता दिया है। आओ अब बात करते हैं फ़ोन की। सो देखो भैया फ़ोन दिखने में बढ़िया है, एकदम लाइट वेट है, प्लास्टिक वाला फील आपको इन हैंड देगा, पर ये देखो यार दिखने में क्या जबर है, ठीक है। राइट स्पाइन पे आपको ये फिंगरप्रिंट जो अपना सेंसर है वो मिलता है, जी हाँ, जो कि पावर बटन की तरह काम करता है, और वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलेंगे। इस तरफ आप देखोगे तो भैया सिम ट्रे है, ऊपर की तरफ नीट एंड क्लीन, और नीचे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट, 3.5 mm जैक और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। वैसे ही पीछे यार आप देखो भैया कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक है, और LED फ्लैश है, और यहाँ पर आपको रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। देखो यार क्या क्रोम वाली जो है आपको फील देता है, ऐसे इसके ऊपर ऐसे जगमग जगमग चमक लगा के रखी है, जो काफ़ी सही दिखती है। नो डाउट यार देखो फोन दिखने में अच्छा है। वैसे ही अगर डिस्प्ले के ऊपर आके अगर अपन लोग बात करें, लेकिन पहले यार आप ये देखो इसका फिंगरप्रिंट का डेमो देख लो, बढ़िया तरीके से भी काम करता है। फेस अनलॉक के ऊपर भी आप देख लो, ये बढ़िया तरीके से अनलॉक कर रहा है, ठीक है। अभी डिस्प्ले पे आ जाए तो यार देखो इसमें मिलता है 6.5 इंच का 400 nits ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले, जी हाँ। आप देखो ये नॉच यहाँ पर आपको देखने में मिली, चिन थोड़ी और कम होती तो मज़ा आ जाता, लेकिन भाई प्राइस को भी तो देखो सब कुछ ही ले लोगे क्या, ठीक है ना। टच रिस्पॉन्स वगैरह बढ़िया है, मैंने जितना यूज़ किया, गेमिंग वगैरह भी इसके अंदर डिसेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको मिलता है यूनिसॉक्स T612 प्रोसेसर, 3GB की रैम और 32GB स्टोरेज, और 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज है। यहाँ पर जो मेरे हाथ में है भैया आपको वो देख लो यार, इसमें आपको 4GB की रैम यानी 64GB स्टोरेज वाला है, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन जो है वो तो 12 मिल रहा है, लेकिन ये एस एडिशन के साथ है, एंड्रॉइड जो अपना रियलमी का है यूआई का एस एडिशन है, वो देखो यार आपको वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भैया कैमरा के ऊपर भी आके बात कर ली जाए, सो ये देखो भैया कैमरा इसमें आपको मिल जाता है 50 MP प्लस एक पोर्ट्रेट लेंस, और आगे 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। पर अभी इसकी जो क्वालिटी है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में जाके। आप अगर यहाँ पर देखोगे, ठीक है, सो भैया ये देखो तुम इसे 30 FPS पे HD जो है अपने फुल HD वीडियो शूट कर सकते हो, 30 FPS, और 30 पे तो जो हाईएस्ट है वो है 30 FPS, ठीक है ना। वाइट बैलेंस, एंटी फ्लिकर, ये जो यार नॉर्मल ऑप्शन होते हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड एंड मोर में आप यहाँ पर जाओगे तो ये देखो प्रो मोड, पैनोरमा, टाइम लैप्स, 50 MP का अलग से आपको ऑप्शन मिलता है। इसकी क्वालिटी के ऊपर अभी बात करेंगे, और नाइट का जो है वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे ही 5 MP का फ्रंट कैमरा है। अब आप बोलोगे भैया तूने इतना राग गा दिया, लेकिन कैमरा सैंपल्स या कैमरा क्वालिटी के बारे में तो बता। तो ये लो यार देखो, ये है एक क्लोजअप शॉट जो कि इसने काफ़ी अच्छे से लिया है। एक जो चीज़ मुझे सही लगी, मुझे क्लोजअप शॉट लेने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी, ठीक है ना, आराम से इसने फोकस लिया, मैंने क्लिक कर लिया। कमिंग टू द 5 MP पोर्ट्रेट शॉट, आप यहाँ पर देखोगे भाई बढ़िया तरीके से इसने लिया है, अच्छी मतलब 5 MP, और अगर 5 MP के हिसाब से बहुत अच्छा है। प्लस आप ये देखो, एक और मैंने ये वाला फोटो लेके रखा है, ठीक है, दोनों ही फोटो आप देखोगे तो बढ़िया है। और जो मैं बोल रहा था यार कि 5 MP के हिसाब से अगर आपके पास लो लाइट, माई बैड, जो एम्पल लाइट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सो आप ये देखो, ये है इसका नॉर्मल शॉट, और ये है 50 MP का शॉट। आप यहाँ पर अगर देखोगे सो जो क्वालिटी है भाई वो दोनों की ही यार एकदम मतलब यू नो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हाँ 50 MP में ऑफकोर्स आपको जो थोड़ा रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा वगैरह सब मिल जाएगा, वो वाली चीज़ तो है ही, ठीक है। तो कैमरा सैंपल्स भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अभी बैटरी पे आ जाए तो भैया आपको मिलती है इसमें 5000 mAh की बैटरी, जो कि 10 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ है, ठीक है। देखो 2 दिन तो ये अभी बता रहा है, ठीक है ना, तो बैटरी वाइज आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब आप देखो, मैंने आपको इसमें सब कुछ ही बताया है इस वीडियो में, इसके कैमरा
कैमरा सैम्पल्स यूनिट्स इसका अगर आपको गेमिंग वीडियो पूरा प्रॉपर देखना था मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, जिन लोगों का कहना है कि भैया यार मेरे को एक बार ग्राफिक्स सेटिंग्स तो बता दे, तो चलो यार वो भी बता देता हूँ। तो यार देखो ये आप यहाँ पर जाओगे, ये देख लो भैया ग्राफिक्स में आप जाओगे तो भैया आपको स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई, HD पे आपको हाई और HDR अवेलेबल नहीं है। सो जी हाँ, जो हाईएस्ट आपको FPS देखने को मिलेगा वो रहता है भाई 30 FPS। ठीक है, गेम प्लेयर जैसा मैंने बताया कि इट्स नॉट अ गेमिंग फ़ोन, थोड़ा आपको यू नो गेमिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अब जिन लोगों का सवाल है कि भैया क्या ये फ़ोन मेरे को लेना चाहिए या नहीं, तो देखो एक बार पूरा रीकैप मार देता हूँ मैं, है ना। सो यूनिसॉक T61 आपको मिलता है 4GB, 64GB, 3GB, 32GB, 5000mAh की बैटरी, 10W की फास्ट चार्जिंग के साथ, 50MP प्लस एक पोर्ट्रेट लेंस, 5MP का फ्रंट कैमरा है और रियलमी UI एडिशन एंड्रॉइड 12 के साथ है। तो अब आप देखो भाई मैं बोलूँगा अगर आप एकदम बहुत ज़्यादा एक हैवी यूज़र हो तो यार आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार जैसा मैंने बताया गेमिंग के लिए इतना यू नो स्ट्रॉन्ग नहीं, पर अगर आप एक ऐसा यू नो एंट्री लेवल फ़ोन देख रहे हो जिसको हाँ भाई बात करनी हो तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो यार देखो ये था भाई मेरा सुना रियलमी C33 के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर और कोई से वीडियोज़ देखना हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।